अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ शहर सर्राफा बाजार स्थित घर के बाहर से सर्राफ सुनील वर्मा से 13.5 लाख रुपए लूटने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से अंबाला निवासी राहुल वैद्य को पैर में गोली लगी है। यह मुठभेड़ रेलवे स्टेशन के पास हुई है। दरअसल 19 अगस्त की शाम सर्राफ को उस वक्त बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया था जब वह घर के निकट ही थे। आसपास के CCTV फुटेज में बाइक सवार तीन बदमाश कैद हुए थे। यह वारदात नंदराम चौक के पास हुई थी। सुनील कुमार वर्मा की श्रीराम कॉम्प्लेक्स नील की गली में सर्राफ की दुकान है। गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि इस घटना की योजना रोहित यादव नामक के बदमाश ने बनाई थी। यह मेरठ निवासी है। राहुल और रोहित ने रेकी की थी। इस लूट को अंजाम देने के लिए राहुल वैद, रोहित यादव, बंटी पाचा शामिल हुए। घटना के दिन राहुल वैद, रोहित यादव और राजा I-20 कार से दिल्ली एक्सप्रेसवे के रास्ते थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र होते हुए शीशे वाले गुरुद्वारे के पास आए, जहां बंटी पाचा उन्हें बाइक के साथ मिला। इसके बाद बाइक से राहुल, बंटी और रोहित ने सर्राफा बाजार आकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद तीनों रोहटा रोड पर पहुंचे, जहां से बंटी बाइक लेकर चला गया और बाकी तीनों कार द्वारा दिल्ली चले गए। घटना में प्रत्येक के हिस्से में 3 लाख रुपए आए थे। इसमें से राहुल और राजा के हिस्से में आए 6 लाख रुपए में से 5,85,000 पुलिस ने आज बरामद कर लिए। इस बारे में SP सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शनिवार की शाम को अपना दुकान बंद करके घर वापस आते समय एक सर्राफे के साथ जो है घटना कार्य की गई थी, जिसमें लगभग 13.5 लाख रुपए अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूट लिए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली पर तलाबंदी से किया गया। इसमें जनपद स्तर पर स्कूटी टीम, सर्विलांस टीम, थाना पुलिस को लगाया गया था। इस टीम के द्वारा लगातार परीक्षण करके अगर प्रयास करके आज इस घटना में शामिल और मुख्य अभियुक्त राहुल और उसके साथ ही राजा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में बदमाशों द्वारा पुलिस पर जान संभालने के लिए से फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई आकस्मिक फायरिंग में राहुल के पैर में गोली लगी और एक अन्य बदमाश फरार हो गया है, जिसके लिए कॉम्बिंग कराई जा रही है। पूरे शहर में नाकाबंदी करके चेकिंग भी कराई जा रही है। इनकी गाड़ी जो बरामद हुई है I-20 कार है, जिसकी तलाशी में इनके पास से कुल 2 बंडलों में 5,85,000 रुपये बरामद हुए हैं, जो इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।